धीरे धीरे निजी हाथों में जा रही है मुंबई की बेस्ट बस सेवा। अगर आप अपनी बस ₹1 महीने के हिसाब से कहीं पार करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा नगर बस डिपो आपके लिए बेहतरीन जगह है। आप यहां अपनी बस को ₹1 महीने के हिसाब से बड़े आराम से पार कर सकते हैं। अगर आपको इस बात में विश्वास नहीं आ रहा है तो सुनिए बस एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष नितिन भाऊराव पाटिल को, जिन्होंने बस मैनेजमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि बस की प्रॉपर्टीज़ को लगातार प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कदम से बस के अकाउंट में अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है। प्रतीक्षा नगर डिपो भाड़े पे दे दिया वो प्राइवेट माथोश्री कंपनी को। वो कंपनी 1 महीना पहले रजिस्टर हुई, उसको भाड़े पे क्या दिया? उसका एग्रीमेंट भी है हमारे पास, वो ₹1 एक गाड़ी का साल का देगा। अभी ये 100 गाड़ी लगाएगा तो ₹100 मिलेगा, और 760 करोड़ का डेपो है, उतना तुमने उसको भाड़े पे दे दिया। बम्बई को संभालने वाली, बम्बई को हमेशा दुख में होते हुए, अगर बम्बई के लोग दुख में हो तो उसको आसरा देने वाली, हाथ बढ़ाने वाला जो BST का वर्कर है, उसके आज हालत ऐसी है कि उसको कोई संभालने वाला नहीं, हाथ देने वाला नहीं। ये ऐसी हाल इन्होंने, जो मैनेजमेंट है BST की, उन्होंने करके रखे है। जो BST का चेयरमैन है, कमेटी मेंबर है सब लोग, उन्होंने उनको बोला उस वक्त कोविड में कि आप काम करो इधर, ये इंसानियत की सेवा है, इंसानियत के नाते आपको काम करना है। आपकी अगर जान की अगर कोई भी फिक्र होगी तो हम आपको बचाएंगे। आपको जो खर्चा है कोविड का भत्ता है, या आपको मास्क है या सैनिटाइजर है, सब कुछ हम देंगे। बल्कि उन्होंने कभी मास्क दिया नहीं, कपड़ा दे दिया बांधने को, बोले तो कपड़ा ही बांधो। ऊपर से उन्होंने सैनिटाइजर के नाम पे साबुन का पानी ऐसे पानी में मिला के बॉटल में दिया गया। अभी वो साबुन एक छोटा सा देंगे तो रास्ते में कंडक्टर या ड्राइवर वो साबुन से हाथ धोएगा क्या? कोई भी मिलेगा तो उसको कभी भी BST ने सैनिटाइजर की एक छोटी बॉटल स्प्रे दिया नहीं, और उस कंडीशन में वो काम करते रहा जबकि उसको ये सब सेवा देनी थी। जब ये कोविड में काम कर रहा था तो उसके बाद उसको बोला कि आपको कोविड भत्ता मिलेगा। आज उसमें हजारों लोग उन्होंने काम किए, दोनों टाइम उन्होंने जब लॉकडाउन में काम किए उस वक्त से अभी तक किसी को भी कोविड भत्ता अभी तक मिला नहीं। जो भी उन्होंने 250-300 रुपया जो तय हुआ उसमें कई लोगों की जान गई, सैकड़ों लोगों की, 200 के ऊपर लोग गए, मगर ये BST के जो मैनेजमेंट है, महापालिका के सत्ताधारी है, इतने बेशरम है कि वो बोल रहे कि वो जो जान गई है वो कोविड से उनके घर में गई है, वो इधर नहीं था। अगर वो आपके पास काम कर रहा था उसके बाद उसको जाके कोविड हुआ तो वो कोविड क्या उसके घर में हुई हुआ? वो आपके पास काम कर रहा था, वो घर में जाके कोविड उसको डिटेक्ट आपके पास ही होगा। तो उन्होंने उसको बेदखल किया, उसको जो बीमा मिलने वाला था उसको एलिजिबल नहीं कर रहे उसको, और उसके ऊपर ये महापालिका के जो मेयर है उन्होंने कहा कि हम हर एक को नौकरी देंगे, जो भी गुजरा है कोविड के काल में तो उसके घर के एक आदमी को नौकरी देंगे। उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दिए बताए? हार्डली 3 या 4 लोगों को लेटर दिया है किसको उसको मिला होगा नौकरी, अभी तक कोई गारंटी नहीं। वो अभी भी वैसा ही पेंडिंग पड़ा है, उसका कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे। मगर जब भी कोविड चल रहा था तो वो बोल रहे थे, भाई BST के लोग जी जी जान पे खेल के वो लोग सेवा कर रहे थे। मगर वो BST जो इन्होंने 1947 से अभी तक 27 डेपो तक बढ़ाई, ये BST के वर्करों के खून की पसीने की कमाई है, गाड़ी कमाई है, उसके वजह से इतने डेपो बढ़ गए। हम लोग ने जब भी BST खरीदी, ट्राम्स कंपनी थी ब्रिटिश की, उससे महापालिका ने BST खरीदी, उसको 9 करोड़ में वो खरीदी गई। उस वक्त 3 या 4 डेपोस थे, तो आज अपने 27 डेपो हुए, 26 क्वार्टर्स है अपने पास, 336 एकड़ के ऊपर जमीन है। वो आप उसको बचाना, उसको अच्छे से, उसको अच्छा डिजाइन करना जिससे आम लोगों को अच्छी सार्वजनिक वाहतूक सेवा मिले और किफायत सिर मिले, टाइम पे मिले, वो देख नहीं रहे महापालिका। आपकी लोकल ट्रेन कैसी टाइम टू टाइम है? 5 मिनट या 2 मिनट भी लेट हो जाए तो लोग ऊपर नीचे करते, यहाँ पर 2-2 घंटा बस लेट आती है। ये गए 15 से 20 साल से चल रहा है,
ये क्यों चल रहा है? क्योंकि यहां पर लोगों की भर्ती बंद कर दी, बसें खरीदी नहीं, आज पैसा नहीं करके ये लोग लॉस में है करके वो लोग बता रहे, और उन्होंने आज कॉन्ट्रैक्ट पे बस लेने का बात कर रहे। क्यों लिए कॉन्ट्रैक्ट पे? क्योंकि पैसा नहीं है, नहीं बस लेने को पैसा नहीं बीएसटी के पास। महापालिका उसको पैसा दे सकती है मगर महापालिका पैसा नहीं देती है, और जब भी उनको खर्चे के लिए पैसा देती है तो महापालिका उनसे ब्याज पे पैसा देती है। वो ब्याज पे पैसा देने का कोई लेंडिंग का काम बीएमसी का काम नहीं है, फिर भी वो बीएसटी से ब्याज लेती है। तो ये कितनी बसेस चल रही जो उसपे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है और कितना उस पे दिया जा रहा है? आज पहली बसें लाई उन्होंने 19 का जो स्ट्राइक हुआ 9 दिन का बीएसटी के वर्करों ने किया था, सभी वर्करों ने, सभी पार्टी के, हमारे मेरी भी यूनियन है उसमें, मगर मेरे वर्कर ऐसे कोई नहीं थे, सभी वर्कर एक साथ में मिल गए थे सभी पार्टी के, और उन्होंने वो स्ट्राइक किया था। उन्होंने बोला कि हमारी जो सेवाएं है वो पूरी मिलनी चाहिए, हम लोग काम करते हैं, हमको पगार टाइम पे मिलना चाहिए। 5 तारीख को पगार मिलना चाहिए था उनको, 2-2 टाइम पे पगार मिलता था, एक 10 तारीख को मिलता था, 15 तारीख को मिलता था, एक 30 तारीख को मिलता था। ऐसे पगार नहीं चलेगा क्योंकि उनके लोन है। तो वो बोले हम लोग का जीना मुझे पॉसिबल नहीं है, हमको जान देनी पड़ेगी। और कई लोगों ने वो कोशिश भी की बीएसटी के वर्कर ने उस वक्त, और वो हम नहीं चाहते थे, तो वर्करों ने उतर के उन्होंने डिसीजन लिया था, 9 दिन स्ट्राइक किया। और बीएमसी के कमिश्नर ने उस वक्त प्रवीण परदेशी कमिश्नर थे, उन्होंने मध्यस्थी करके एक एमओयू किया, उसमें उन्होंने दिलासा दिया सभी वर्करों को कि आपको टाइम पे पगार मिलेगा, जो हमारी जिम्मेदारी है वर्करों को पगार देने की, सेवा सुविधा देने की, वो देंगे। और बसें भी जो आपको चाहिए, 50,000 वर्कर है वो वर्कर को भर्ती करेंगे उतने, आज वर्कर कम है, आज 20,000 तक वर्कर आए, हम लोग को वो भर्ती क्यों नहीं करेंगे? बसें कम है तो बसें खरीदेंगे, 3,337 बसेस लगेगी, आज हमारे पास 1700 बसें है, तो वो बसें खरीदने के लिए पैसा लगेगा तो बीएमसी देगी विदाउट एनी कंडीशन, और वो बीएमसी की जिम्मेदारी करके देंगी, और वो जब भी बस खराब हो जाएगी तो दूसरी बस लेने को भी बीएसटी को पैसा देगी, क्योंकि बीएसटी कोई इनकम गेटिंग कंपनी नहीं है, ये सब्सिडी में चलती है, और वो सब्सिडी बीएमसी से मिलनी चाहिए, और वो उस वक्त के कमिश्नर ने हमी दी वो एमओयू में। मगर आज की तारीख में क्या दिख रहा है, वो बसें उन्होंने खरीदी अभी तक नहीं है, बल्कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे बसें दे दी, टेम्पो ट्रैवलर बसें 1600 बसें छोटी बस लाई, ऊपर से दूसरी 300 बसें वो इलेक्ट्रिक की बस लाए, वो बसें उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाए, उनका 140 रुपया किलोमीटर से वो टेम्पो ट्रैवलर बसें लाई, उनको पर डे का 140 रुपया किलोमीटर से 55 रुपया दिया जाता है, और वो 260 किलोमीटर से वो बड़ी बसें जो इलेक्ट्रिक की है उनको दिया जाता है 90-95 रुपीज की पर किलोमीटर से, तो उनको करोड़ों रुपया महीने का ये लोग पेमेंट करते हैं। उतना करोड़ अगर पेमेंट आप 300-400 करोड़ अगर साल का पेमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट की बस को करते हो, उतना पैसे में तो आपको 3,000 बसें खरीद के खुद की मिलेंगी, वो पेमेंट क्यों कर रहे हो आप? उसमें आप वर्कर खरीद लो, बीएसटी के वर्कर काम पे लो जो परमानेंट वर्कर है, आज उनको परमानेंट सैलरी मिलेगी अच्छी। आज बंबई में कई हजार युवा पीढ़ी बेरोजगार है, यंग लड़कियां भी आज कंडक्टर बनने को तैयार है, कई लड़कियां कंडक्टर काम कर रही है अपने बीएसटी में, तो उनको भी रोजगार मिलता था। मगर ये बीएसटी के मैनेजमेंट और महापालिका के सत्ताधारी कोई नहीं चाहते इधर के बंबई के लोगों को इसको रोजगार मिले, इसीलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन ला के ये कंपनियों को प्रॉफिट दिलवा रहे, इसमें से किसको प्रॉफिट जा रहा है ये आप समझ सकते हो खुद ब खुद कि ये कंपनियां किसकी है। ऊपर से इन्होंने डेपो भी अभी प्रत्यक्षनगर डेपो भाड़े पे दे दिया वो प्राइवेट माथोश्री कंपनी को, वो कंपनी 1 महीना पहले रजिस्टर हुई, उसको भाड़े पे क्या दिया, उसका एग्रीमेंट भी है हमारे पास, वो 1 रुपया एक गाड़ी का साल का देगा। अभी ये 100 गाड़ी लगाएगा तो 100 रुपया मिलेगा, और 760 करोड़ का डेपो है, उतना तुमने उसको भाड़े पे दे दिया। ऊपर से हमको जो एग्रीमेंट किया था वो उन्होंने वो फुलफिल नहीं कर रहे, और ऊपर से इन्होंने जो 6 डेपो दिए थे, 6 डेपो ऑलरेडी वाधवा बिल्डर को दिया था, कनकिया बिल्डर को दिया था, जो गोरेगांव डेपो है, अंधेरी डेपो है, कुरला डेपो है, माहिम डेपो है, ये जो डेपो 6 डेपो दिए थे उसका पैसा चीफ ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया हुआ है आरटीआई से हमारे पास है, उसको 327 करोड़ उसका आना है,
वो अभी तक उन्होंने वसूल नहीं किया महापालिका ने। इससे कुछ कितना मिला इसको, कुछ रेवेन्यू आया है इससे? कुछ नहीं आया ही नहीं, बिल्डर से इन्होंने वसूल ही नहीं किया। रेवेन्यू मिलना चाहिए था 327 करोड़। अगर वो 327 करोड़ मिलता तो हमारे रिटायर हुए एक वर्कर है उनका ग्रेजुटी अभी तक 300 करोड़ देना है। कम से कम 300 से 400 वर्कर है जो आज रिटायर होके घर में गए और किसी की बच्चे की शादी करनी, किसी का घर बनाना, किसी के बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आज उनका पैसा इन्होंने 300-400 करोड़ उनका देना है। वो अभी तक ग्रेजुटी उनको नहीं दे रहे रिटायर वर्करों की। अभी जो काम कर रहे हैं उनको तो पगार ठीक से टाइम पे मिल रही है, वो अलग बात है। उनको उनको आज लीव ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है। उनको जो भत्ता मिलता है, जो जो उनको सेवा सुविधा मिलती है सर्विस रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, वो भी नहीं उनको दे रहे, वो सब बंद कर दिया। तो आपने महापालिका में जो सत्ताधारी है वो क्या कर रही है, ये प्रश्न चिन्ह है बंबई के लोगों को। आप इधर सेवा देने के लिए महापालिका चला रही है एबीएसटी, या खुद की कमाई करने के लिए चला रही? तो आप किस तरह से इसको जो है इस बात को किस तरह से रख रहे हैं अभी फिलहाल, या इसको किस तरह से उठाएंगे आगे भविष्य में? देखिए उसमें लोगों के सामने जाके, लोगों में जाके इसमें उठाना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी की इमेज चलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक विचार है कि कांग्रेस की पार्टी वर्करों के साथ है। उन पार्टी का एक मूल मूल सिद्धांत है कि हम लोग किसानों के साथ रहेंगे, जब भी किसानों के ऊपर अन्याय होगा तो उनके साथ में उनके लिए लड़ेंगे, और अगर वर्करों के खिलाफ अन्याय होगा तो उनके साथ में लड़ेंगे। ये आपको दिखाया भी गया है केंद्र में, जब भी किसानों के ऊपर अन्याय हुआ तो टिकैत जी जब लड़ रहे थे वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी भले अपनी झंडा लेके नहीं चली, मगर कांग्रेस की पार्टी के सभी नेता, राहुल जी भी पार्लियामेंट में और सब जगह पर बोल रहे थे, लड़ रहे थे। वैसे ही मेरे ख्याल से बंबई के लोग, जो बंबई के जो नेता है, अगर कुछ नेता ये बीएसटी के वर्कर के साथ नहीं है तो मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा, और मैं कांग्रेस की झंडा लेके ये बीएसटी के वर्कर है, जो गरीब वर्कर है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके साथ में मैं लड़ूंगा, उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा, और कांग्रेस पार्टी 100% लड़ेगी। ये मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ। मगर ये नहीं है, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने क्या किया? 1985 से तुम शिवसेना के साथ थे, आज तुम बड़ी बात मत बोलो, तुम केंद्र में हो तो तुम क्या कर रहे हो? वही तो तुम प्राइवेट कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेच रहे हो, यहां पर शिवसेना बेच रही है महापालिका में, महापालिका में भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वैसे ही तुम कर रहे हो। तुम कोई दूसरे दूध के धुले नहीं हो, तुम भी वही हो। तुम इधर आओगे तो तुम तो इससे बड़े राक्षस हो। तो बीजेपी कोई अच्छा करेगी ये लोगों ने नहीं समझना चाहिए। लोग समझते कि ये छोटा बाघ है, वो बड़ा शेर है, वो तो पूरा खा जाएगा, महापालिका को एक फटके में बेच देगा।